गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद गंभीर ने विराट कोहली को लेकर क्या कहा, बताएंगे आपको सारी बातें विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उनके साथ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी मौजूद थे। इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों ने मिलकर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या को उनकी फिटनेस की वजह से T20 टीम का कप्तान नहीं बनाया गया है, इस वजह से उनके ऊपर सूर्य कुमार यादव को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। वहीं अगरकर ने बताया कि जिम्बाब्वे दौरे पर शामिल सभी युवा खिलाड़ियों को श्रीलंका दौरे पर जगह नहीं मिल सकती थी, ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ा। गौतम गंभीर ने विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों पर कहा कि TRP के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन उनका कोहली के साथ रिश्ता सार्वजनिक नहीं है। मैदान पर हर कोई अपनी टीम के लिए लड़ेगा, फिलहाल वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं रोहित और कोहली के फ्यूचर पर बोले कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। भारत के श्रीलंका दौरे का आगाज 27 जुलाई को होने जा रहा है। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 मैच की T20 और इतने ही मैच की वनडे सीरीज भी खेलेगी। दोनों ही फॉर्मेट के लिए BCCI स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। गौतम गंभीर का बतौर हेड कोच ये पहली सीरीज होगी। गौतम गंभीर ने कहा, आप जीतने के लिए खेलते हैं, हम कोशिश करते हैं निष्पक्ष खेले, कड़ी मेहनत करें और जीत के साथ वापसी करें और खुश ड्रेसिंग रूम में लौटे, चीजों को जटिल नहीं बनाएंगे। ये खिलाड़ियों की टीम है, सहायक कर्मचारी केवल इतना ही कर सकते हैं, केवल 15 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। सहायक कर्मचारियों का काम खिलाड़ियों को खुश रखना है और हम इसी के लिए काम करेंगे। गौतम गंभीर ने कहा है कि TRP के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता सार्वजनिक है। मैदान पर हर कोई अपनी टीम के लिए लड़ेगा, फिलहाल हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मेरा और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध है। मुझे उनसे बात करने के कई मौके मिले, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या चर्चा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वो एक पूर्ण पेशेवर विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और आगे भी जारी रहेगा।